Hey everyone, welcome back to my channel. तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप घर बैठे अपने ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स सिर्फ 15 से 20 मिनट में कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं। तो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको स्टीमिंग करनी पड़ेगी, और स्टीमिंग के लिए सबसे पहले आप एक बोल में पानी को उबाल लीजिए, और उसके बाद आप अपने फेस को उबलते हुए पानी के पास लाइए और थोड़े डिस्टेंस पे रखिए। उसके बाद आप एक टावल लीजिए और उसको अपने सर के ऊपर इस तरीके से रखिए ताकि एक टेंट बन जाए और उबलते पानी की सारी भाप आपके फेस पर डायरेक्टली आए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप अपने फेस को स्टीम 10 मिनट तक कीजिए। और स्टीमिंग इस होम रेमेडी में इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टीमिंग करने से आपके क्लोज्ड पोर्स ओपन हो जाते हैं और उस वजह से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और डर्ट इम्प्योरिटीज रिमूव करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। और स्टीमिंग करने के बाद अब दूसरे स्टेप पर चलते हैं, जो कि है एक्सफोलिएशन। और अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए सॉल्ट या नमक, उसके बाद आपको चाहिए आधा नींबू, और लास्ट में आपको चाहिए नारियल का तेल। तो एक होममेड एक्सफोलिएटर या स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कटोरी में 1 से 2 चम्मच नमक ले लीजिए, फिर आप उसके अंदर आधा नींबू निचोड़िए, और लास्ट में 1 से 2 चम्मच नारियल का तेल डाल दीजिए। और फिर आप इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दीजिए, बट आप ज्यादा मिक्स मत कीजिए क्योंकि फिर नमक इस मिक्सचर में घुल जाएगा और इस स्क्रब का कोई भी फायदा नहीं होगा। और फिर इस स्क्रब को यूज करने के लिए आपको एक टूथब्रश की जरूरत पड़ेगी। आप एक टूथब्रश को लीजिए और इस मिक्सचर में डिप करिए, और फिर उसको अच्छे से अपनी नोज और जहाँ जहाँ पर आपको व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हैं वहाँ पर जेंटली 2 से 3 मिनट के लिए स्क्रब कीजिए, और स्क्रब करने के बाद आप उन एरियाज को नॉर्मल पानी से धो लीजिए। स्क्रबिंग आपके डेड स्किन सेल्स को कम्प्लीटली रिमूव करती है और आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है। और अगर आप अपनी स्किन को स्क्रब हफ्ते में 1 से 2 बार करेंगे तो आपकी स्किन क्लीन रहेगी और आपकी स्किन पर डेड स्किन सेल्स भी नहीं होंगे, जो कि एक मेन रीजन है ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होने के। तो चलिए अब स्क्रबिंग के बाद एक लास्ट स्टेप देखते हैं, जो कि एक मास्क। और इस मास्क को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए ग्राउंड ओट मील या पिसा हुआ ओट मील, उसके बाद आपको चाहिए दही, फिर आपको चाहिए आधा नींबू, और लास्ट में आपको चाहिए शहद या हनी। तो इस मास्क को बनाने के लिए आप सबसे पहले एक कटोरी में 1 से 1.5 चम्मच ग्राउंड ओट मील ले लीजिए, फिर उसके बाद आप इसमें 1 चम्मच शहद डालिए, फिर इसके अंदर आधा नींबू निचोड़िए, और लास्ट में 1 से 2 चम्मच दही डालकर सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इस मास्क को अपने फेस पर या जहाँ जहाँ पर आपको व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हैं वहाँ पर अप्लाई कीजिए, और उसको 20 से 25 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और जब वो कम्प्लीटली सूख जाए तो उसको ठंडे पानी से धोकर अपनी स्किन को पैडर और मॉइस्चराइज कर लीजिए। ओटमील और दही, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इफेक्टिव हैं क्लॉग्ड पोर्स को ओपन करने के लिए और आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए। ओटमील के अंदर क्लेंजिंग और एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को जेंटली रिमूव करती हैं, और दही आपके स्किन के नेचुरल बैलेंस को रिस्टोर करता है और उन बैक्टीरियाज को भी हटाता है जिससे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं। लेमन भी एक बहुत अच्छा क्लेंजर है जो कि आपके क्लॉग्ड पोर्स को रिमूव करता है, और शहद आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। और अगर आप एक के बाद एक ये तीनों स्टेप्स लगातार करेंगे तो आप घर पर ही बहुत ही आसानी से अपने सारे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स कम्प्लीटली रिमूव कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्यूचर में बहुत सारी इजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए।